जाना पड़ा और आफ्टर इफेक्ट भी बहुत था, फिर भी आज हम कंपैरेटिवली देश को स्पीड कहो, स्केल कहो, सर्वांगीण विकास की बात करें तो वो कहें, सर्वसमावेशक विकास की बात कहें तो वो देखें, हर पैरामीटर पे आपको कांग्रेस के मॉडल से एक ऐसा मॉडल नजर आ रहा है कि हाँ इस रास्ते पर हम चलेंगे इतनी गति से, और गति और बढ़ानी है मुझे अगले टर्म में, गति भी बढ़ानी है और स्केल भी बढ़ाना है, तो वो तो मेरा लक्ष्य ही है। दूसरा आप देखेंगे कि जब देश चलाने की देशवासी जिम्मेवारी देते हैं तो आपका सिंगल माइंडेड फोकस होना चाहिए, देश, देश के लोग। दुर्भाग्य से पहले की राजनीतिक कल्चर ने परिवार को कैसे मजबूत बनाना, परिवार की जड़ों को कोई उखाड़ न दे, उसी में शक्ति लगाते रहे, जबकि मैं देश मजबूत इसी एक लक्ष्य को लेकर के काम कर रहा हूँ, मेरी सरकार पूरी उस लक्ष्य को लेकर काम रही है। और जब देश मजबूत होता है तो हर कोई उसका बेनिफिशियरी संतोष अनुभव करता है, कहा यार कुछ तो हो रहा है, मेहनत तो कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, इन चीजों का इम्पैक्ट होता है। तो 2024 ये चुनाव है और चुनाव का मैदान है, तो हम एक अपने ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर के गए हैं और वे अपने टैप रिकॉर्ड को लेकर के आए हैं। अब प्रधानमंत्री जी, आपने दो चीजों का जिक्र किया जिसके बारे में पूछना चाहूंगी। एक तो वो जब आरबीआई में जब आपने कहा 2014 विजन वगैरह की बात कर रहे थे, तो जब आप कहते हैं कि ट्रेलर है, आपके स्पीचेस में कहते हैं अभी तो ट्रेलर है, मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, तो एक एक कस्बा होता है जो थोड़ा नर्वस हो जाता है कि करने क्या वाले हैं मोदी जी, एक वो नर्वस होते हैं, जो दूसरी जिनका विश्वास आप पर पूर्ण तरह है वो सोचते हैं कि हाँ अभी और काम बाकी है और मोदी जी उसे अंजाम देने वाले हैं। तो दोनों के लिए आप अगर हमें बताएं कि विजन क्या है कि 2047 तक किस तरह ये विजन सक्सेसफुल होगा, क्या आपका गेम प्लान है? जब मैं कहता हूं कि मेरे मन में बहुत बड़े बड़े प्लान है और उसके लिए बहुत बड़े बड़े फैसले हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, मेरे निर्णय किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को दबाने के लिए भी नहीं है, मेरे निर्णय देश के सर्वांगीण विकास के लिए है, जन कल्याण के लिए है, देश के युवाओं के एस्पिरेशंस को मैं देर करना नहीं चाहता हूं, मैं समय बिगाड़ना नहीं चाहता हूं, उस अर्थ में मैं कह रहा हूं। दूसरी बात है, ज्यादातर सरकारों का स्वभाव होता है वो ये मिजाज में रहते हैं, हमने तो सब कुछ कर लिया, हम तो सब कुछ करते हैं, मैं नहीं मानता हूं मैंने सब कुछ कर लिया है, मैंने ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास किया है, सही दिशा में जाने का प्रयास किया है, फिर भी बहुत कुछ है जो मुझे अभी भी करना है, क्योंकि मैं देखता हूं मेरे देश की कितनी आवश्यकताएं हैं, हर परिवार का सपना, वो सपना कैसे पूरा हो, ये मेरे दिल में पड़ा हुआ है। और इसलिए मैं कहता हूं जो हुआ है वो ट्रेलर है, आपको अच्छा लगा है, लेकिन मैं बहुत अधिक करना चाहता हूं, उस अर्थ में मैं उस बात को कहता हूं। दूसरी बात है कि 2047 का जो विजन का सवाल है, एक तो मैं लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह करके आया हूं और मैं अनुभव करता था कि बार बार चुनाव, आचार संहिता, किसी भी राज्य में चुनाव हो तो मेरे राज्य से 30-40 सीनियर अच्छे अफसर ऑब्जर्वर के नाते जाते थे इलेक्शन ड्यूटी, तो 40-50 दिन तक वो बाहर रहते थे, तो मुझे चिंता रहती थी कि मैं सरकार कैसे चलाऊं, क्योंकि देश में ऐसे चुनाव होते ही रहते और मेरे ऑब्जर्वर जाते रहते, तो मैं तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये इसको वैकेशन नहीं मानता हूं, मैं चुनाव होगा तो उस पीरियड को वैकेशन के रूप में नहीं लूंगा,
मैं अफसरों को पहले से काम देता हूँ, भाई अगली सरकार के लिए ये काम करो। तो मैं उस समय भी 100 दिन का प्लान करता था। हाँ, उसी में पूछना था मुझे। हाँ, अभी तो चुनाव हो ही रहे हैं, अभी रिजल्ट्स भी नहीं आए और आप 100 दिन का प्लान बना रहे हैं। मैं चुनाव में जाने से पहले शुरू किया। हाँ, और दरअसल मैंने कैसे किया कि मैं पिछले 2 साल से 2047 को ध्यान में रख के काम करता था, और उसके लिए मैंने देश भर में लोगों के ओपिनियन मांगे, सुझाव मांगे। शायद 15 लाख से अधिक लोगों के मैंने सुझाव लिए हैं कि वो आने वाले 25 साल में हिंदुस्तान को कैसे देखना चाहते हैं। और मैंने सभी यूनिवर्सिटीज़ को कांटेक्ट किया, मैंने अलग अलग एनजीओ को कांटेक्ट किया, संगठनों को, और 15-20 लाख लोग उन्होंने इनपुट दिया। फिर मैंने एआई की मदद लेकर के उसको सब्जेक्ट वाइज बनाया, उसके काफी मैंने टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया। ओके, मैंने हर विभाग में अफसरों की एक डेडिकेटेड टीम बनाई कि भाई इस पर काम कीजिए, कैसे हो सकता है अगले टर्म के लिए, 25 साल के लिए। 25, और फिर मैंने खुद ने उनके साथ बैठा, प्रेजेंटेशन लिए 2-2.5 घंटे, और मेरा विजन के अनुरूप क्या चीजें हैं, कौन सी चीजें डुएबल हैं, कौन सी चीजें डुएबल नहीं, थोड़ा सा ट्रेलर बता सकते हैं उसको। मैं ऐसा है कि आचार संहिता चल रही है। अच्छा। मैं अभी अगर इन चीजों को बताऊंगा तो शायद कोई उसको गलत अर्थ में ले लेगा, तो मैं उसमें फंसना नहीं चाहता हूँ जी, लेकिन इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है, मिल ही जाएगा। दूसरा, मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि ये जो मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूं, जो मेरा विजन है जी, लेकिन वो विजन मोदी की बपौती नहीं है, वो 15-20 लाख लोगों के विचारों को उसमें समाहित है, एक प्रकार से इसकी ओनरशिप देश की है। 15-20 लाख लोग इनपुट देते हैं, मतलब पूरा देश दे रहा है जी। मैंने क्या किया है कि मैंने उसको अभी डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार करवा रहा हूँ, जैसे ही चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तुरंत वो स्टेट को भेज दिया जाएगा। ओके, मैं चाहूंगा कि स्टेट उस पर काम करे, स्टेट को क्या लगता है क्या हो सकता है क्या नहीं। और वो सिर्फ बीजेपी स्टेट्स नहीं है, सभी नहीं, पूरा देश, ये देश का है, ये भाजपा का नहीं है जी। ओके, ये काम देश का है जी। फिर मैं नीति आयोग की मीटिंग बुलाऊंगा, उसमें इस पर व्यापक चर्चा करूंगा मुख्यमंत्रियों के साथ, और फिर उसमें से एक फाइनल चीज बनेगी। दूसरी तरफ मैंने अफसरों को कहा कि अभी जो हमारे सामने चित्र बना है, जो कुछ भी इनपुट आए उसके आधार पर मैंने अपने इनपुट दिए, उसमें से मुझे 3 हिस्सों में काम करना है। एक, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आएगा उसमें से करणीय काम तुरंत कैसे ले सकते हैं। दूसरा, ये जो 25 साल का हमारा जो एक खाका बना है, जो मेरा अपना विजन है, अभी तो मैं चाहूँगा कि मुझे और भी उसमें क्रिटिकल इनपुट चाहिए मुझे। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि सब कुछ मुझे ही समझ और मुझे ही दिखता है। कोशिश मैंने भारी की, मैंने काफी समय लगाया इसमें, उसको मैं 3 हिस्सों में बांटा। एक, 25 साल, उसके लाइट में मेरे नेक्स्ट 5 ईयर, और उसके लाइट में मेरे फर्स्ट 100 डेज। तो इस प्रकार से मैंने पूरा डिजाइन बना लिया, अफसरों को काम पे लगा दिया है, क्योंकि मैं 1 मिनट भी गंवाना नहीं चाहता हूं जी। अब आपको याद होगा 2019 में, बहुत कम लोगों को ध्यान रहता है, उस समय भी मैंने 100 दिन का काम दे करके चुनाव के मैदान में गया था, और जब मैं वापिस आया आर्टिकल 370 100 दिन में मैंने कर दिया, 3 तलाक से मेरी बहनों को मुक्ति दिला दी, पहले 100 दिन में किया, UAPA बिल सिक्योरिटी को लेकर के हमने 100 दिन में कर दिया, बैंकों का मर्जर बहुत बड़ा काम था हमने 100 दिन में किया। इतना ही नहीं, पशु का टीकाकरण, ये कोविड के टीकाकरण की इतनी चल रहा है ना, मैं देश में पहली बार करीब 15,000 करोड़ रुपया लगा करके पशुओं के टीकाकरण का बड़ा अभियान चला रहा हूँ, और मैंने 19 में पहले 100 दिन में किया था। तो मैं 100 दिन का क्या काम करना, वो हैफाजर नहीं करता, मैं बिल्कुल प्लानिंग करके उसको आधार पर आगे चलाता हूँ। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।